जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपको थोड़ा सा इरफान खान जी के बारे में बताना चाहता हूँ। इरफान खान जी, आप सभी को पता है आज 29 तारीख है, 29 अप्रैल, और उनका निधन कैंसर के कारण हो गया है। सभी परिचित हैं इरफान खान से, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इरफान खान के बारे में ना जाने, उनकी मूवीज़ ना देखी हों, क्योंकि उनकी जो एक्टिंग थी उसके तो सभी कदरदान हैं। ठीक है, कोई ये नहीं कह सकता कि उनकी एक्टिंग में कुछ प्रॉब्लम थी, क्या था, सब एक अलग ही उन्होंने अपनी लाइफ में मुकाम बनाया, एक निचले स्तर से उठ करके इस मुकाम तक पहुँचे, बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक। ठीक है, उनका जो करियर की शुरुआत लगभग 88 में होती है, 1988 में पहली फिल्म थी उनकी, उस समय की मुझे नाम एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, और जो हासिल मूवी थी उनकी, उन्होंने उसमें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था उन्हें पहला, दो बार उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है, एक बार 2004 में मिला हासिल के लिए, फिर 2012 में 2012 में उन्हें मिला था क्या, राष्ट्रीय अवार्ड मिला था बेस्ट अभिनेता का, जो कि राष्ट्रीय अवार्ड जो होता है। और हॉलीवुड मूवी में तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन में हम लोग देख करके एकदम मज़े आ जाते हैं उनको, है ना, भले ही छोटा सा रोल लेकिन एकदम मज़े आ जाते हैं। ऊपर से एक आपका डायनासोर वाली जो मूवी है उसमें देख करके उनका रोल बहुत अच्छा लगता है, तो काफ़ी अमेजिंग रोल उन्होंने अपनाए हैं। ठीक है, अभी हाल ही में उनकी नई जो मूवी रिलीज हुई है वो है अंग्रेजी मीडियम, जो कि लॉकडाउन के कारण नहीं मतलब बड़े पर्दे पर नहीं ज़्यादा आ पाई, वो नेटफ्लिक्स वगैरह पर अवेलेबल है। 2011 में उन्हें पद्मश्री मिल गया है, और जो मुझे पर्सनली लगभग 30 से ज़्यादा उन्होंने फिल्मों में बॉलीवुड की में काम किया, 5-6 फिल्में ऐसी हैं जिनमें हॉलीवुड में काम किया, और काफ़ी थोड़ा सा दुखद लगता है जब ऐसा कोई व्यक्ति जो इतना शानदार जिसका करियर रहा हो, इतनी शान बेहतरीन अदाओं से अपनी जो डायलॉग्स हैं उनको इतने फेमस, उनके बोलने का स्टाइल वो अलग ही है, मतलब अलग ही मुकाम हासिल है उन्हें हीरो से, रियलिस्टिक मूवीज़ में नंबर वन कह दिया जाए तो इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन पर्सनली मुझे उनकी मूवी का 2002 में मूवी आई थी एक उनकी, उसका एक गाना काफ़ी अच्छा लगता है, और मैं आज आपको उसका गाना जो है थोड़ा सा गुनगुनाकर सुनाना चाहता हूँ। गाने के बोल हैं, गुनाह फिल्म थी, गुनाह फिल्म शायद किसी को याद हो तो, उसमें एक गाना था, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता, चांद में दाग है ये जानते हैं हम, लेकिन रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता। दोस्तों काफ़ी अच्छा गाना था, मुझे काफ़ी पसंद था उनका, और जब मैंने ये मूवी देखी, केवल इसी गाने के कारण उनकी ये मूवी देखी थी, जिसमें वो एक डिप्रेस्ड एक पुलिस ऑफिसर थे, उनका रोल अदा किया है उसमें, और लास्ट में वो एकदम फिट हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही उनकी। और बहुत सारी ऐसी यादगार फिल्में हैं जिन्हें बॉलीवुड, हम लोग, पूरा देश, भारत, विदेश कभी नहीं भूल पाएगा। तो कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। जब कोई व्यक्ति आपके थोड़ा सा करीब होता है, जिसे आप चाहते हो, जिसे आप पसंद करते हो, जिसको देखते हो, वो चला जाता है, तो कहीं ना कहीं एक दिल में ऐसा लगता है कि हाँ कोई था जो और कंट्रीब्यूट कर सकता था, लेकिन जिसकी जर्नी जितनी है उतना ही करेगा, तो उन्होंने जो भी किया अपना स्तर से बहुत बेहतर किया, अमेजिंग किया, और अमेजिंग स्पाइडरमैन किया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।